मत्ती 9:9-13, लूका 5:27-32, और आज जो पढ़ा गया है मरकुस उसका दूसरा अध्याय 13:17 तक। इन तीनों ही जगह पर जब हम चेलों की लिस्ट पढ़ते हैं तो मत्ती का नाम लिया जाता है, चेलों का नाम लिया जाता है, और वो पूरी पत्रस से लेकर के यहूदा इस्करियोती तक की लिस्ट हमारे बीच में बताई जाती है। अलग अलग जगहों पर जब प्रभु जहां जहां प्रभु काम करते हैं उसमें यूहन्ना, याकूब और पत्रस का नाम, वो तीन जो हम शिष्यों का नाम आता है, बाकी चेले कहीं कहीं किसी किसी जगह पर उनका जिक्र होता है, उनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। लेकिन मत्ती है, आप इसके बारे में देखेंगे, इसका नाम जो है लेवी है, लेवी के घराने का है, और मत्ती इसका नाम है, और लूका ने और मरकुस ने इसको लेवी कहा है, मत्ती की इंजील में इसको मत्ती कहा गया है। और ये मत्ती जो है या लेवी जो है ये मत्ती रच सुसमाचार का लेखक है, और बहुत ही विस्तार के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो भी यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह प्रस्तुत करने के लिए कि वो एक महान राजा है, महान चक्र करने वाला है, उत्तमा बातें जो पुराने नियम में जो मसीह के बारे में भविष्यवाणी के तौर पर कही गई है उसको वो उनके बीच में लेके आता है। ये प्रयास करता है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मसीह महान राजा। और इस जगह पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु से भीड़ के साथ इसकी चुंगी के सामने जाते हैं और इससे बुलाते हैं, मेरे पीछे हो ले, और वचन में हम पढ़ते हैं एकदम से इसने चुंगी अपने उसको छोड़ करके, उसको लेने वाली चुंगी को छोड़ करके प्रभु यीशु के पीछे हो लिया, और प्रभु यीशु इसके घर में जाते हैं, ये पार्टी देते हैं, इसके साथ और बहुत सारे चुंगी लेने वाले हैं, और जो शास्त्रीय फरीसी हैं या यहूदी लोगों के जो अगुए हैं वो प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि ये पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ करता है। और उस समय जब ये सुसमाचार लिखा गया, जब बाइबल लिखी गई, जब प्रभु यीशु मसीह के जमाने में एक लिस्ट थी जिनको पापियों की लिस्ट में, पापियों की श्रेणी में माना जाता है, उसमें चुंगी लेने वाले भी होते थे, और एक लिस्ट लेकर के जितना पाप जो है एक व्यभिचारी करता है, एक लोभी करता है, उतना पाप जो है चुंगी लेने वाले को उनको बराबर माना जाता था। इन सबको कुत्तों के समान जाना जाता था, इससे ज्यादा इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इनके साथ किसी का संबंध नहीं होता था, इनको लोग नफरत करते थे क्योंकि ये अपना पैसा, अपने लोगों का पैसा इकट्ठा करते थे और ये रोमी सरकार को देते थे, और रोमी सरकार को इनको 10-5% जो है कमीशन मिलती थी, और जितना ज्यादा पैसा ये इकट्ठा करके देते थे उतना इनको छूट मिल जाती थी, और फिर ये अपनी मनमानी से चुंगी दे रहे, जो खरीद होती है उसका भी, जो बेचते हैं उसका भी ये टैक्स लिया करते थे। और अपने जमाने में टैक्स कलेक्टर जो थे, चुंगी लेने वाले जो थे, बहुत ही बदनाम थे, इनको जो है बहुत ही घृणा के साथ, नफरत के साथ लोग इनको देखते थे, कभी कोई इनके साथ सामाजिक रिलेशन नहीं रखता था, इनके साथ कोई इनका दोस्त, इनका मित्र नहीं होता था, इनके पास पैसा बहुत होता था, इनके पास और कुछ नहीं होता, और अपना काम, अपना पैसा और अपना इस इतना से इनका शत्रु हुआ करता है। और ये मत्ती जो है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको बुलाया तो एकदम से प्रभु यीशु जो है नौवें मत्ती नौवें पढ़ते हैं, लूका में और मरकुस में प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो, और ये उठा अपनी चुंगी छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गया। और आप देखिए कि हम आज हम भी किसी को कहें
कुछ काम करने के लिए तो कोई पूछता है, और इसने कुछ नहीं पूछा, प्रभु ने कहा और पीछे होने। इससे पहले आप इसके जीवन के बारे में देखेंगे तो पहली चीज जो आती है राइट एवेल्युएशन ऑफ हिज लाइफ। सबसे पहले जो हम देखते हैं, मत्ती ने अपने जीवन का अवलोकन किया, अपने जीवन का मूल्यांकन किया, अपने जीवन को परखा, है ना। तो उसमें सबसे पहली बात है कि उसने अपने जीवन का सही मूल्यांकन किया, एक सही रीति से अपने आप को जांचा, अपने आप को परखा। क्योंकि जब अपने पेशे को देखता था, अपने पैसे को देखता था, सामाजिक स्तर में देखता था, लोगों के बीच में रहता था, तो ये अपने जिंदगी में बहुत ही अकेला, बहुत ही ये जो है असहाय, बहुत ही निराश, हर प्रकार से जो है एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन वाली इसकी जिंदगी थी। पैसा कितना भी किसी के पास हो, पैसा और दुनिया की चीजें कितने भी किसी के पास हो, जब उसके साथ एंजॉय करने वाले नहीं होते, जब उसके साथ कोई बैठने उठने वाले नहीं होते, जब उसके साथ कोई उसके दुख सुख की बात करने वाले नहीं होते, जब उसके काम को कोई अप्रिशिएट करने वाले नहीं होते, जब उसके काम के बाद जो है उसके साथ कोई शेयर करने वाले नहीं होते, तो वो सारा का सारा उपलब्धि भी निराशा में परिवर्तित होती जाती है। ये मत्ती जो है ये चुंगी लेने वालों का सरदार है, हेड है, और इसको एक जो है एक ऐसी जगह एशिया माइनर की ऐसी जगह इसको दी गई है जिसमें अरब को जाने वाले और दूसरी जगहों पर जाने वाले, एक ऐसा चुरावा है जो बहुत ही रिच चुंगी माने, बहुत ही ज्यादा धनी है, धन बहुत इसने कमाया, लेकिन दुनिया में इसकी दुनिया के बीच में इसका कोई जो है एक अच्छा रिलेशन नहीं था। लोग इनको जो है इनको और इनके साथ वालों के जितने भी चुंगी लेने वाले हैं सारे के सारे इनको नफरत करते थे, और ये चुंगी पे चुंगी अपने बैठा हुआ है, इसका वो ऑफिस सेंटर में है, वो प्रभु यीशु मसीह को रोज इन सालों में आते जाते देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ है, और भीड़ जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, प्रभु यीशु मसीह को पुकारती है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को इसने देखा, प्रभु यीशु मसीह को इसने जो है कोड़ियों को टच करते हुए देखा, प्रभु यीशु मसीह ने जो वैश्यों के साथ बातचीत करते हुए देखा, प्रभु यीशु मसीह को इसने उन तमाम लोगों को जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो तरह तरह से जो है एक तरीके से जो बहुत ही इस संसार में बहुत ही जो है लाचार तरीके के लोग हैं, उन लोगों के साथ प्रभु यीशु उनके साथ बातचीत करता है, उनको मित्र कहता है, उनको चंगाई देता है, उनको पापों की रिहाई देता है, और ये सारी चीजें इसको पता है, इसको इसको इसकी इंफॉर्मेशन। वो जब अपने आप को देखता है, अपने जीवन को देखता है, उस अकेले पर एकांत को देखता है, उस अपनी जो है पैसे के बारे में सोचता है, तो सारा का सारा इसके लिए बहता है, प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग के बारे में सुनता है। अब जब इसने सुना होगा, जब देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक कोड़ी को चंगा किया है, और कोड़ियों का उस समय समाज से, गांव और शहर से अलग कैंप होता था, वो कोड़ी लोग जो है आम लोगों के बीच में नहीं रह सकते थे, आम लोगों के साथ बात नहीं कर सकते थे। मान लो मुझे कोड़े हैं और आप उधर हैं और मेरी साइड में आ रहे हैं, तो मुझे चिल्ला के ऊंचे ऊंचे से बोला कहना पड़ता था, अनहोली, अपवित्र, मैं कोड़ी हूं, ये बता अशुद्ध अशुद्ध, ये शोर मचाना पड़ता था, और आप साइड से मेरी हवा भी आप लोगों के साथ नहीं जानी चाहिए। और प्रभु यीशु ऐसे है कि जब कोड़ी उसके सामने आते उसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक लकवे के बारे में लाया जाता है, तो उसको कहता है मित्र तेरे पाप माफ हुए, और तरह तरह की इस तरीके के प्रभु यीशु मसीह के इन एक्टिविटीज को देखता है, तो ये कायल हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह यदि कोड़ी को स्पर्श कर सकते हैं, एक अंधे की आंख को स्पर्श कर सकते हैं, एक लकड़े को चंगा कर सकते हैं, उनको मित्र कह करके पुकार सकते हैं,
तो ये अंतर यंत्र जो तैयार था और एक तरीके से कोस रहा होगा अपने इस धन को, अपने इस पेशे को, अपने इस बड़े रुतबे को जो इसने पाया और इंतजार कर रहा होगा और ये हो सकता है तैयार होगा प्रभु की तरफ जाने के लिए, प्रभु को मिलने के लिए। और परमेश्वर जो है काम करता, he's never late, never before that time। परमेश्वर जो है कभी भी जो है काम जो है ना तो देरी से करता ना पहले करता। परमेश्वर का अपना समय है और परमेश्वर का अपना समय जो है हमेशा राइट होता, हमेशा सही होता। आप अलग अलग लोगों को देखेंगे, जब बंदा तैयार होता तो परमेश्वर भी अपना काम अपना आदमी भेजता है। जब सौर का परिवर्तन होता है, सिर्फ सौर कैसा था, कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को बर्बाद करने वाला, बाल कुटाई करने वाला। और जब तीन दिन के अंधेरे में वो इंटरनली आत्मिक तौर पर पूरी रीति तैयार हो जाता बपतिस्मा लेने के लिए, तब हनन्याह को उसके पास भेजा जाता है और दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। मूसा को जब बुलाया जाता है तो मूसा कई प्रकार के बहाने लगाता है, प्रभु मैं बोलने में सही नहीं, प्रभु लोग मेरे से क्या कहेंगे, अगर उन्होंने मेरी ना सुनी, राजा मेरे को आगे मेरी ना माने। और जब उसने कई प्रकार के बहाने लगाए, जब बोला कि मैं बोलने मेरी स्पीच ठीक नहीं है, तो उसने परमेश्वर ने कहा जो है हारून जो है वो तेरे लिए बोलने का काम करेगा। तो इधर दोनों तैयार होते हैं, हारून मूसा को, मूसा हारून को मिलने के लिए, यही बात करने के लिए जा रहे हैं। तो परमेश्वर जब कोई तैयार होता है उस समय अपने बंदे को भेजता है। पत्रस याफा में था, कॉर्नेलियस नाम के व्यक्ति के घर में वो बुलाया जाता है। उस समय शुद्ध अशुद्ध खाने पीने की चीजों का बहुत जो है भेदभाव होता था। परमेश्वर ने स्वर्ग से एक चादर उसके सामने भेजी, हर प्रकार का जानवर तमाम चीजें, और वो कहता है कि मैं ऐसी चीजों को जो अशुद्ध है मैं नहीं खा सकता। और परमेश्वर का वचन कहने को मिलता है कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया है वो शुद्ध है, उसको मनुष्य अशुद्ध नहीं कर सकता। इधर पतरस से आप हो रहा है, उधर कॉर्नेलियस के लोग उसके पास आ रहे हैं, बुलाते हैं, और वो जाके सुसमाचार कहता है, सुनाता है। कॉर्नेलियस वो सूबेदार, वो तमाम कितने सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का एक समय है, वो जो समय आता है तो परमेश्वर उस समय में अपना कार्य करता है। मत्ती इधर जो है टूट चुका है, वो दुनियावी तौर पर अकेला है, सामाजिक तौर पर उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के कामों की तरफ जब वो देखता है तो अंदर से प्रभु यीशु मसीह को पसंद करना शुरू कर देता है। इंटरनली अंदर ही अंदर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार कर चुका है। और इधर चुकी प्रभु को पता चलता है तो प्रभु भी उस चुकी के साइड में जाते हैं। आप जानते हैं ना चकई को, वो भी प्रभु से मिलना चाहता है ना। आप सभी स्कूल में गीत भी गाते हैं, जकई नाम का छोटा लाल छोटा आदमी यीशु को मिलना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह जो है कि नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में, एक गीत है बच्चे जो गाते हैं। तो मत्ती जो है जकई जो है प्रभु को देखना चाहता था, मिलना चाहता था, और प्रभु यीशु मसीह सही उसी पेड़ के नीचे जा कर कहते नीचे उतरिया, आज मैं तेरे घर में जा करके खाना खाऊंगा। इधर मत्ती तैयार है, प्रभु यीशु मसीह उसी चुंगी पर जा रहे हैं, और जब वो तैयार हो तो प्रभु ने उसे कहा मेरे पीछे हो, तो फिर उसने देरी नहीं लगाई। इतना बड़ा इतना पैसे वाला जो है अपना काम छोड़ करके वो छोड़कर एकदम से प्रभु यीशु के पीछे जाना, उसने अपने जीवन को देखा, अपने जीवन को परखा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था क्या होगा मेरा, क्या करेगा ये धन दौलत। और प्रभु यीशु के वचन उसको ये भी उसके कानों में आते होंगे कि मनुष्य यदि सारे संसार की धन दौलत को इकट्ठा कर ले अपनी आत्मा को खोए तो उसे क्या लाभ। ये तमाम चीजें उसके उसके जो है कानों में पड़ती होगी। आज उसने अपने आप को परखा होगा, अपने आप को जांचा होगा, और जब मौका आया तो उसने अपना आप प्रभु को समर्पित किया। पहली चीज राइट एवेल्यूएशन ऑफ हिज लाइफ, और दूसरी
राइट यूज ऑफ हिज मनी। जब उसने उद्धार पाया और अब वो चाहता है कि अपने जैसे लोगों को जो उसकी उसकी उसके सर्कल के लोग हैं वो भी उद्धार पाए। प्रायः इस चीज को हम एक उद्धार के तौर पर बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को एक डॉक्टर से, एक हॉस्पिटल से, किसी वैद्य हकीम से इलाज करवाने के बाद जो है स्वास्थ्य लाभ मिलता है वो दूसरों को बताता है। और इस चुंगी लेने वाले आत्मिक बीमार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक चंगाई मिलती है। और अब ये चाहता है उसके जैसे वो तमाम लोग, उसके जैसे तमाम लोग जो है आप वो भी प्रभु यीशु मसीह को लेके, उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया और अपने घर में प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ तमाम चुंगी लेने वालों को बुलाया। आप बच्चे में पढ़ाया वो बहुत सारे थे, जितने भी टैक्स कलेक्टर थे सबको बुलाया। और एक तरीके से ये एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर की तरह काम कर रहा है, एक प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है और तमाम चुंगी लेने वालों को बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन एक चीज यहां दिखती है कि ये चुंगी लेने वाले वो बिरादरी, वो लोग जो लोगों को लूटते हैं, जो अपना धन विदेश में भेजते हैं, जिनको बेवफा और तरह तरह से आप उनको बुला जाता है, देश के बेदार करके कहा जाता है, अब वो लाइन पर आ रहे हैं। जब लाइन पर आ गए हैं तो जो धार्मिक अगवे हैं वो आलोचना कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को क्रिटिसाइज करते हैं। हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा प्रभु यीशु मसीह को एक तरीके से अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप उस महिला के बारे में जानते हैं जिसने एक बहुमूल्य जटमानसी का इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पर या पांव पर डाला, तो लोग ये सोचते हैं यदि ये नबी होता तो समझ जाता कि ये औरत जो उसके जो कर रही है वो कैसी है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, सुकार नाम उस कुएं पर बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले जब बाजार से भोजन खरीदने गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। वचन में लिखा है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उससे पूछे कि तुमसे बात क्यों कर रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहे कि वो कैसे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में जानते नहीं है। लेकिन प्रभु परमेश्वर वो अंतरामी प्रभु है, वो दिलों हृदयों को जांचने वाला है और उसको सही समय का पता है कब किसी को प्रभु के लिए जो है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। सुकारना में कुछ जगह पर भी देखेंगे वो सामरी स्त्री जो बदनाम थी, जो कई तरीके की उसके बारे में आप जो कमेंट्स पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप होने के बाद वो इस निर्णय पर आती है कि मैंने मसीहा को देख लिया है। जाकर के उस जो है सामरी इलाके में, उस देश में, उस गांव में जाके बोलती है कि जिसकी इंतजार की जा सकी वो आ गया है और मैंने उसे बातें की है। सारी भीड़ आती है उस जगह पर, उस कुएं पर, और जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और गवाही कह देते हैं अब हम तेरे कहने पर नहीं बल्कि हमने खुद भी देख लिया। तो जब कोई तैयार होता है परमेश्वर का समय है और उस समय पर जो है प्रभु उनको यूज करता, प्रभु अपने काम के लिए उनको इस्तेमाल करता है। मत्ती ने को परमेश्वर ने चुना और मत्ती ने अपने धन का जो उसने पैसा इकट्ठा किया, जो भी उसने पैसा था उसको अब वो सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा, उसके मीटिंग्स अरेंज कर रहा, लोगों को अपने घर बुला रहा, एक जो है डिनर दे रहा और उनको जो है खाने का प्रबंध कर रहा ताकि लोग आए और उस चाई को सुने जो उसने पाई है ना। उसके लिए ये गीत बहुत अच्छा लगता है कि खुद बचना काफी नहीं है और को बचाना है। अब वो खुद बच गया है और वो चाहता है कि दूसरे चुंगी लेने वाले, दूसरे टैक्स कलेक्टर भी प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आए। तो एक ऐसा बंदा है जो प्लेटफॉर्म तैयार करता है, आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आता है ताकि वो उस सच्चाई को जाने
और आजाद और मुक्त होकर के आत्मा में प्रभु की आराधना प्रभु की प्रशंसा करने वाले बन जाए। पहली चीज राइट एवेल्यूएशन ऑफ हिज लाइफ, राइट यूज ऑफ हिज मनी, और तीसरी चीज उसकी जिंदगी में जो आप देते हैं प्रभु को सबसे अधिक प्राथमिकता। अब देखिए उसने कितना बड़ा लॉस था उसके लिए। हम सब जब हम जॉब करते हैं हमारे पास एक अच्छी नौकरी होती है, हमारा एक अच्छा कारोबार बिजनेस होता है, जब हम वो छोड़ करके जब हम प्रभु की सेवा में आते हैं तो हमें पता है कि प्रभु की सेवा में आकर के आर्थिक तौर पर खा सकते हैं। जब हम संसारिक अखंडजात की बात करते हैं तो उसका अभाव होता है, उसकी कमी होती है। मैं मेरे को पता है कि 1983 में जब मैंने अपना जॉब छोड़ा तो मेरे पापा एक तरीके से गाली देते थे मुझे, और मेरे बड़े भाइयों से कहते इसको अभी भी समझाओ अच्छी खासी डॉक्टर, जैसे बोलते ना लक्ष्मी को पैर मार के ये ऐसे कर रहा। तो मेरे सबसे बड़े भाई जिन्होंने सबसे पहले प्रभु को ग्रहण किया था वो कहते पापा यदि वो प्रभु की सेवा कर रहे तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत बार हम पैसे का लॉस करते हैं, पैसे का लॉस उठाते हैं, धन दौलत दुनियावी चीजें जो है हमारे से जो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर हमें वो मिलता है जो हमें इस दुनिया की खाद इस दुनिया की कोई चीज भी नहीं दे सकती थी। तो मत्ती ने प्रभु को प्रभु के काम को प्राथमिकता दी। आज हम उस मत्ती को याद करते हैं, आज हम मत्ती को जो है सुसमाचार का लेखक के तौर पर मानते हैं, मत्ती को प्रभु यीशु मसीह का चेला के तौर पर हम मानते हैं। मत्ती का नाम है, बहुत सारे टैक्स कलेक्टर होंगे, बहुत सारे जो है चुंगी लेने वाले उस समय थे और भी बहुत सारे, किसी का नाम नहीं है, मत्ती का नाम बाइबल के बीच में है और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो आज बहुत सारे लोगों को जो गलत तरीके से अवैध तरीके से जो है धन इकट्ठा करते हैं उनके लिए एक प्रेरणा है। इसमें एक चीज और शेयर करना चाहता हूं, अक्सर ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हुआ है और ये आज भी हो रहा है। जब वचन में लिखा है जब एक आत्मा एक पापी अपना मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्ग के दूत जो है आनंद मनाते खुशी मनाते, लेकिन ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है? मत्ती जैसा व्यक्ति अपने तमाम हेरा फेरी बेईमानी के काम को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो रहा है, और नुक्ताचीनी कौन करते आलोचना कौन करते हैं? जो धार्मिक है शास्त्री है जो फरीसी है जिनका काम है कि लोगों को जो धार्मिकता की शिक्षा दे, लोगों को ये तमाम सच्चाई की अच्छे कामों की शिक्षा दे, वो आलोचना कर रहे हैं। वो कोई किसी भी जगह पर दे, किसी भी जगह पर आप देखेंगे तो ऐसा देख रहे हैं लेवी है और आप उसको क्या है दूसरा नाम जो है जगई है या कोई और है, जब कोई जो अच्छा काम होता है जब प्रभु के द्वारा मोक्षा होता है किसी को प्रभु यीशु से चंगा करते हैं या किसी को दुष्ट आत्मा से जो छुड़ाया जाता है तो ये जो धार्मिक आदमी है ये आलोचना करते हैं। वो महिला जिसको 12 साल से नहू की बीमारी थी जब उसको चंगा किया गया तो क्या बात क्या उठ रही है कि तुम्हारे पास 6 दिन है उसमें तुम चंगाई को सातवां दिन जो है सबत का दिन है इसमें कुछ नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह की आलोचना क्या होती थी? ये सबत के लोग तोड़ता तो प्रभु यीशु मसीह भी उनसे बातें करते थे कि सबत के दिन भला करना ठीक है या गलत करना ठीक है। कई इस तरीके से प्रभु की आलोचना होती आज भी जो है। मैं हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में था, वहां एक इलाका है रादौर करके, और रादौर में एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है जो रैग पिकर्स है, डेहे बोलते हैं, जो हरियाणा में रहे उनको पता होगा डेहे बोलते हैं उनको, और वो एक ऐसी बरादरी है जो यही काम करते पटवारी का काम बाजार से ही काम जो तरह तरह की दूसरी चीजें जा थोड़ा और भी अच्छा काम करती है रैग पिकर्स पेन होते हैं। उनके जो है जितना वो कमाते हैं
ऑलमोस्ट वो जो है शाम को वो खत्म कर देते हैं। अपने घर में थोड़ा सा देने के बाद वो शराब में इन तमाम चीजों में करते हैं, तो फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होते हैं। उनके बीच में हमारे केरला से भाई लोग आगे उन्होंने एक सुसमाचार का काम शुरू किया, और जब वो प्रभु को ग्रहण करके एक मंडली की स्थापना होगी है, डॉक्टर पीजी वर्गीस का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एक भवन बनाया वहां छोटा सा, और लोग वहां जाने शुरू किए, तो वहां के जितने भी जो ये लोग थे पंजाबी लोग या दूसरे लोग जो कट्टरवादी लोग थे वो उनका विरोध करने लगे, उनको सताने लगे। और सताते समय क्योंकि हम बड़े चर्च के लोग हैं, तो हमारी मदर की हम गए एसपी से मिले, उनके बीच उनकी मीटिंग कराई, तो वही धर्म परिवर्तन की बात जो आज उनके तभी हुई। तो उन्होंने एक बात हमें भी अपने पास को बोला कि जब बोलने की बात होगी आप चुप रहना, हमारे साथ खड़े रहना, हम वहां बोलेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि आप हम फिर जो है हिंदुइज्म में वापस आ जाएंगे, हम उसी पुराने धर्म को फिर से ले लेंगे। आप एक बात हमें बता दो कि जब हम रोज चोरी करते थे, जब हम चोरियां करते थे, जब हम शराब पी के गटर में पड़े रहते थे, जब हम शराब पी के अपनी बीवियों को पीटते थे, जब हम जो है ऐसे जो है एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल रहते थे, वो हम अच्छे थे या आज हम इन सारी चीजों को छोड़ करके जब हम जो है परमेश्वर की प्रभु की यीशु मसीह की आराधना करते हैं अब हम अच्छे हैं? तुम्हें परेशानी किससे है, हमारे बुरे कामों से या आज की से परेशानी है? तो वो डीसी ने उन लोगों को अप्रिशिएट किया, डीसी ने सपोर्ट की कि ये देखो वो अपनी लाइफ को जो है अब सही रास्ते पर लेके आए हैं, तो आप उनको फिर से क्यों परेशान कर रहे हो? तो ऐसा तब भी होता था जब प्रभु यीशु मसीह थे, आज भी होता है, पिछले युगों में पिछले समय में हुआ और आज के दिनों में भी बहुत हो रहा है। जब लोग दुनिया की तमाम बुराई को, दुनिया के पापों को छोड़ करके परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, तो धार्मिक अगुवे, धर्म के जो लोग हैं वो इसमें अड़क डालते हैं। एक अलग से है सरकास्टिक तरीके से एक गीत है, गुरदासपुर आपने सुना होगा, वो कहता है धर्मों के पुत्र सभी हैं, बंदे का पुत्र कोई नहीं। या बंदे के पुत्र की बात होती है तो उसमें एक नेक इंसान, जब किसी को डांटना भी होता ना तो पंजाबी में ही बंदे का पुत्र बच्चा है ना, बंदे का मतलब कि इंसान का पुत्र, कहने का मतलब कि एक सही बंदे की तरह है। तो उसका गीत है कि लोग धर्मों के बहुत पुत्र बने हुए हैं, इंसान का पुत्र कोई भी नहीं। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह के समय में भी जब एक आत्मा प्रभु को ग्रहण करती थी, ये दुनियावी में दुनिया में जो रहने वाले धार्मिक कर्तव्य थे उनको परेशानी होती थी, और वो प्रभु का जब उन लोगों की आलोचना करते, जब उस जन के अंधे को चंगा किया गया, तो तरह तरह की तहकीकात हुई यूनानों में, और उसके मां बाप से पूछा, उस जवान से पूछा जो जन्म से कांता था, उसे डांटा, उसे अपने सिनेगोग से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह की भी आलोचना करते रहे। तो ऐसा बहुत होता है, ये हर युग में ऐसा होता रहा, लेकिन जो परमेश्वर का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का सिस्टम है जहाँ दुनिया में एक आदमी बुरे कामों को छोड़कर के मन पश्चाताप करता, मन फिराव करता है, स्वर्ग में आनंद होता है। तो इसने अपनी जिंदगी में प्रभु को प्राथमिकता दी, एक धन, एक बहुत जो है धनी धन इकट्ठा करने वाले जो है पेशे को छोड़ करके ये प्रभु के पीछे चल पड़ा। और इतना ही नहीं, ये बड़ा एक स्पष्टवादी, एक बड़ा कपट जीवन था, बड़ा नम्र और बड़ा जो है प्रभु के जो है मर्जी में चलने वाला व्यक्ति था। आप इसका नाम पढ़ेंगे सुसमाचारों में तो उसका नाम आता है मत्ती, जो चुटकी लेने वाला। किसी और चेले के बारे में आप पढ़ेंगे,
ये बताए इस ज्योति को छोड़ करके किसी का पेशे का नाम नहीं है, उनका नाम है, उनके माँ बाप का नाम, उनके परिवार का नाम हो सकता है, लेकिन मत्ती के साथ है, मत्ती जो चुंगी लेने वाला था, मतलब वो अपने उस जो उसको साथ लेके चलता है कि वो पहले कैसा था वो अब कैसा हो गया। वो जो चुंगी लेने वाला था, जो हेराफेरी करने वाला था, जो ब्राइब लेने वाला था, जो जो हर तरीके के जो है करप्शन में था, आज वो प्रभु यीशु मसीह का चेला। इतने में उसकी टेस्टिमनी बन जाती है कि मत्ती जो चुंगी लेने वाला था, तो उसने उसकी जिंदगी में हम कब ट्रैक देखते हैं, उसने अपने धन को प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे जब आप जकई के बारे में पढ़ेंगे तो जकई के घर में प्रभु यीशु मसीह जब जाते हैं, प्रभु ने खुद ऑफर किया तेरे घर में मैं खाना खाऊंगा, प्रभु उसके घर में जाते हैं तो वचन में लिखा है मत्ती खड़ा होता है, जकई खड़ा होता है और वो कहता है प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और जिस किसी का मैंने हेराफेरी के साथ बेईमानी के साथ किसी के साथ लिया है उसको मैं चार गुना वापस कर देता हूं। और प्रभु ने कहा आज इस घर में, जब जिंदगी परिवर्तित होती है मेरे प्रियो, इस प्रकार से हमारा जीवन अपने आप हमारे काम अपनी हमारी बातें टोटल बदल जाती है। एक दिन होता है जो भी होता है सारा अपने घर में सारा मेरी जेब में आना चाहिए, इकट्ठा करने की कोशिश होती है, और जब जब जो है प्रभु जिंदगी में आ जाता, प्रभु का काम हमारी जिंदगी में आता, तो फिर मैं वही जो हमारा पैसा है हम प्रभु के लोगों के साथ प्रभु की सेवा में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। 74 के आसपास एक फौजी ने प्रभु को ग्रहण किया, उससे पहले ग्रहण कर चुका था, अब वो आत्मिक तौर पर बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने जितने भी कपड़े छुट्टी पे आपने जितने भी कपड़े जो भी उनके पास सामान था वो जो है किसी किसी को दे रहे हैं और दे रहे हैं। और मैंने एक बात उनके मुंह से सुनी, इसमें पेट्रोल की बदबू आ रही, और मैंने कपड़ा पकड़ा में ऐसे किया कोई पेट्रोल की उसमें वो नहीं थी। और बाद में जब उन्होंने इस चीज को बताया कि वो आर्मी में थे, आर्मी में वो एमटी टीम में थे जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट होता उस डिपार्टमेंट में थे, उस डिपार्टमेंट में वो कैप्टन रैंक में थे और वो पेट्रोल आर्मी का पेट्रोल बेचा करते, उसी से उन्होंने वो तमाम चीजें बनाई, वो सारा बांट दिया। और मैं हैरान था देख उस बंदे को इतनी महंगी महंगी चीजें ऐसे दिए जा रहा था। तो जब मेरे प्रियो जिंदगी में काम होता है तो ये सब जो है प्रभु के नाम प्रभु की उस आशीष के सामने ये कुछ भी नहीं रह जाता। मत्ती ने भी ऐसा किया, मत्ती बहुत पैसा बहुत कुछ उसके पास था, सारा का सारा लॉस उसने उठाना पसंद किया, इसके वजह से वो परमेश्वर के घर में परमेश्वर की उस अनंत काल की आशीष को वो पास। हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं, हम किस चीज का चुनाव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई व्यक्ति दो नौ पर पैर रख के चल नहीं सकता। मत्ती ने भी यही सोचा होगा, यही फैसला उसका होगा कि मैं इस धन में धन से कमाई हुई जो है इस कमाई से और प्रभु के साथ चलते हुए दो नौ में पैर नहीं रख सकता था, तो उन्होंने उस धन वाले जो है नाव से पैर उठा करके प्रभु की नाव में पैर रख लिया और प्रभु के साथ चलता हुआ अनंत जीवन की आशीष को उसने पाई। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, तेरे शिष्य मत्ती के लिए जिसने अपने तमाम इस दुनियावी धंधों को छोड़ करके तुझे अपना मुक्तिदाता अपना प्रभु ग्रहण किया और इस नाशवान धन दौलत से बचा जा करके पिता परमेश्वर उसने स्वर्गीय महिमा में धन को पा लिया। हम पर भी तेरा अनुग्रह हो, हम पर भी तेरी दया हो, ताकि पिता परमेश्वर बाइबल के ये लोग प्रभु बाइबल में जितने भी ये घटनाएं हैं ये व्यक्ति हैं हमारे लिए शिक्षा बने रहे,
हम उनसे सीखते हुए आपके वचन पर चलने वाले बन सके। इस पूरी मंडली पर तेरी बरकत तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाकर सिरे स्वीकार करें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में। आमीन।